है कि मिदनापुर आसनसोल की विधायक है, लेकिन मिदनापुर क्यों चली गई? देखिए, हमारा आप सिर्फ आसनसोल मेरा जगह नहीं है, सारे बंगाल मेरा है, सारे भारत मेरा है, सब जगह मेरा है। और जहाँ माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी पर्सनली फ़ोन करके बताते अग्निमित्रा जी आपको मेदिनीपुर से लड़ना है, माननीय नड्डा जी फ़ोन करके बोलते हैं, तो इससे बड़ा मुझे कुछ है ही नहीं। टिकट भी नहीं चाहिए, मेरा गृह मंत्री जी, मेरा प्रेसिडेंट मुझे फ़ोन कर दी, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और हम तो अभी सिटिंग MLA है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि हमको टिकट मिलेगा। तो हम बहुत आभारी है हमारे नेतृत्व के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभारी है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं, विरोधी दल स्पेशली, कि अग्निमित्रा पॉल ने तो दिलीप घोष को मिदनापुर से हटवा करके दुर्गापुर पहुंचा दिया। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो गाना ही है किशोर कुमार जी का। देखिए, दिलीप दा बहुत बड़ा नेता, गाकर बताएंगी क्या ये वाला गाना? अभी चिल्ला चिल्ला कर भाषण देकर और पुलिस को धमका कर मेरा गला एकदम बैठ गया है। हम जीत कर 4 जून जब आएंगे तब ये गाना फिर TMC वाले को सुनाएंगे। लेकिन हम जो बात बोल रहे थे कि दिलीप दा बहुत बड़ा नेता है, दिलीप दा को एक ही जगह में रेस्ट्रिक्ट करके रखने का कोई मायने नहीं रखता है। आज दिलीप दा बोलिए, आज शुभेंदु दा बोलिए, आज सुकांत दा बोलिए, ये लोग हमारे नेतृत्व है। और जहाँ भी आप उन लोग को खड़ा करेंगे, वहाँ से ही उन लोग जीतेंगे। और जब नेतृत्व हमको बोले हैं कि आप उधर जाके लड़ो, तो हम बोले थे कि सर मुझे तो वहाँ पर कोई पहचानता नहीं है, हम तो इधर काम किया है आसनसोल दुर्गापुर में। तो माननीय गृह मंत्री जी बोले कि आपको सब पहचानते हैं, आप उधर काम करो, काम शुरू कर दो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा नेतृत्व तो मुझे मेरे ऊपर भरोसा कर रहे। मेरा राजनीतिक उम्र है 5 साल, तो 5 साल में पार्टी मुझे बहुत कुछ दिए है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज मेदिनीपुरवासी मुझे इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना सम्मान, दोपहर का 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 45 डिग्री सेल्सियस, मैंने इतना धूप, उसमें रास्ते, गांव का रास्ते में दो साइड में हमारे मातृशक्ति, हमारा माँ बहन लोग खड़े हैं फूल लेकर। तो ये एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ है कि जो महिला वोट मुख्यमंत्री के लिए खड़ा था, आज वो महिला वोट शिफ्ट हो रहा है, आज वो हमको जो सम्मान दे रहा है वो एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री भंडार, लक्ष्मी भंडार का असर नहीं इफेक्ट होगा। लक्ष्मी भंडार 1000 रुपया देकर संदेश काली को माँ बहन का रात को बुला के TMC ऑफिस में उनका दर्शन करना, ये सारे बंगाल को मातृशक्ति को मालूम चल गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दे क्या क्या हैं? क्योंकि एक ये बात उठ रही है कि 100 दिन के काम के पैसे नहीं पहुंचे हैं, आवास योजना के पैसे नहीं पहुंचे, इनको TMC मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, TMC क्या मुद्दा बना रही है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि TMC का जो क्रेडिबिलिटी है, तो 2011 में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, तो बंगाल के लोगों का एक भरोसा था उनके ऊपर। लेकिन ये 13 बरस में वो जिस तरह से बंगाल के लोगों को ठगा है, प्रताड़ित किए है, और कल भी एक बड़ा सा ऐतिहासिक राय आया है अदालत से, आपको मालूम है कि 26,000 हमारे युवा का चोरी करके भी हो, सही मैंने चोरी किए हो, घूस देकर नौकरी मिला हो, उनका नौकरी गया है। तो आज हमारे बंगाल में जो बंगाल जाना जाता है लिटरेचर के लिए, शिक्षा के लिए, कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए, आज वो बंगाल जाना जाता है नौकरी चोरी होता है, माइग्रेंट लेबरर का सप्लायर है, हम लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर जाता है, और हम लोग टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं, जंगी, जो सारे भारत में जो जंगी एक्टिविटी है वो शुरू हो रहे बंगाल से। तो इससे लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकता है, हमारे माने एक नागरिक होके इससे लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकता है। तो तृणमूल क्या बोले, माने पैसा दे लेंगे आप मोदी जी से, केंद्र सरकार से, सब राज्य ले जा रहे हैं, किसी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को ये जिद है कि आप पैसा देंगे, हम चोरी करेंगे, लेकिन आपको हम हिसाब नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा, जो हुआ है पहले का, इस सरकार में, मोदी सरकार में ये नहीं होगा। बात करें हिंसा की, तो रामनवमी इसी चुनाव के दौरान वहाँ पर आरोप लगे हिंसा के, उसके बाद पोलिंग के दौरान लगातार हिंसा का आरोप लग रहा है।
देखिए आज ये टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी अगर 13 बरस काम करता, पब्लिक के लिए अगर काम करते, डेवलपमेंट के लिए अगर काम करते, डबल डबल नौकरी होगा, डबल डबल चाकरी बोला था, कुछ नहीं हुआ। बंगाल के लोगों को ये पता चल गया कि ये सरकार से कुछ नहीं होगा। सीटें कितने आएंगी बंगाल में? ठीक है, बंगाल में तो हम लोग माननीय गृहमंत्री जी को 35 सीट हम लोग देंगे, ये हम लोग प्रॉमिस किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं 42 से 42। अब जिस तरह से बंगाल के लोगों का मन उठ गया है ये टीएमसी सरकार से, और कल का भी जो बड़ा सा स्कैम, जो 26,000 लोगों का नौकरी गया, ये जो दुर्नीति, ये जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स, नाम नवमी नहीं कर सकते, दुर्गा पूजा का भाषण नहीं कर सकते, सरकारी विद्यालय में सरस्वती पूजा नहीं कर सकते, आप जगह जगह छोटा सा बूथ में पाड़ा में हनुमान जयंती करने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है परमिशन के लिए। कभी कभी तो लगता है कि हम अफगानिस्तान में हैं, ना पाकिस्तान में हैं, ना सूडान में हैं। ये सब कुछ के लिए आज सनातनी हिंदू और राष्ट्रवादी मुसलमान का मन उब गया है ये सरकार से। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम लोग 35 के ऊपर सीट से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार देंगे। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता।